दोस्तों पेशावर की लड़ाई सन 1001 में सुल्तान महमूद गजनवी और हिंदुस्तान के राजा जयपाल के दरमियान पेशावर में लड़ी गई। दोस्तों राजा जयपाल पहले भी महमूद गजनवी और महमूद गजनवी के वालिद सुल्तान सुप्तगैन से शिकस्त खा चुका था। जयपाल ने इस शिकस्त में अपनी जान बख्शी के बदले हर साल गजनवी सल्तनत को खराज देने का वादा किया था। दोस्तों चंद साल तो जयपाल खराज बकायदगी से देता रहा, लेकिन फिर सुल्तान सुप्तगैन की वफात के बाद जयपाल ने महमूद गजनवी को खराज देने से इनकार कर दिया। जयपाल को सबक सिखाने की नीयत से महमूद गजनवी सन 1001 के आखिर में अपने 15,000 सवारों के साथ गजनवी से पेशावर की तरफ आया। दोस्तों इधर जयपाल मुसलमानों से खाई गई शिकस्त का बदला लेने को बेकरार था। जब इसको मालूम हुआ कि महमूद गजनवी अपने 15,000 सवारों के साथ हमले की नीयत से हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, तो जयपाल ने फौरी तौर पर 12,000 घोड़ा सवार, 30,000 प्यादे और 300 हाथियों को अपने साथ लिया और महमूद गजनवी के मुकाबले को पेशावर जा पहुँचा। दोस्तों जब पेशावर में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए तो इब्तदा में जयपाल की फौज महमूद गजनवी की फौज पर गालब रही, लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा कि हमारी फौज दबती जा रही है तो महमूद गजनवी ने अपनी फौज को कुव्वत ईमानी और जिहाद की नसीहतों से हौसला दिया और जयपाल की फौज के खिलाफ एक नई हिकमत अमली अख्तियार की। दोस्तों जैसे ही सुल्तान महमूद गजनवी और इसकी फौज ने नई हिकमत अमली अख्तियार की तो महमूद गजनवी की फौज ने जयपाल की फौज के बड़े हिस्से को काट कर रख दिया, जिसके नतीजे में जयपाल की बाकी बची फौज के कदम उखड़ने लगे। जब जयपाल की फौज पर दबाव बढ़ने लगा तो फिर देखते ही देखते जयपाल की फौज मैदान जंग छोड़कर राह फरार इख्तियार करने लगी। दोस्तों फिर जयपाल भी अपनी फौज के उखड़ते पांव देखकर मैदान से भागने लगा तो सुल्तान महमूद गजनवी ने इसका ताकब किया और जयपाल को इसके बेटों और रिश्तेदारों समेत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों पेशावर की इस लड़ाई में सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ बहुत सा माल गनीमत लगा। जयपाल की फौज के घोड़े और हाथी भी महमूद गजनवी के हाथ आए, जिसकी वजह से सुल्तान महमूद गजनवी की फौजी कुव्वत में बहुत सा इजाफा हो गया। दोस्तों इस बार फिर जयपाल से जंग का तेवान और जान बख्शी के इवज फिदिया लेकर जयपाल को रिहा कर दिया गया। जब जयपाल वापस हिंदुस्तान अपनी रियाया में पहुंचा तो इसको वहां जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस जमाने में हिंदुओं में एक रस्म थी, जो बादशाह जंग के मैदान में मसलसल हार जाता था वो खुद ही अपनी चिता जलाकर हलाक हो जाता था। दोस्तों जयपाल ने भी ऐसा ही किया। हलाकत से पहले जयपाल ने अपने बेटे अनंतपाल को तख्त पर बिठाया और खुद अपनी चिता जलाकर हलाक हो गया। दोस्तों जयपाल जंग में तो मर्द मैदान साबित ना हो सका, लेकिन इस रस्म को अदा करके इसने हिंदुओं का सूरमा बनने का फैसला कर लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफे का बाश बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।